हमीरपुर में कोरोना बीमारी की रोकथाम के लिए जारी नई गाइडलाइन को अमलीजामा पहनाने के लिए जिला प्रशासन भी पूरी तरह से जुटा हुआ है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 33 के तहत आदेश जारी करते हुए हमीरपुर जिला उपायुक्त देवाश्वेता बनिक ने जनता से कोरोना के नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। साथ ही दुकानों, होटल, रेस्तरां के अलावा अन्य व्यापारिक संस्थानों में लोगों की भीड़ पर नियंत्रण करने के साथ कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए काम किया जाए। वहीं बाजारों में बिना मास्क किसी भी ग्राहक को अंदर न आने दिया जाए। इसके चलते व्यापार मंडल नगर परिषद के पदाधिकारियों को औचक निरीक्षण करने के लिए भी डीसी ने आदेश जारी किए हैं। उपायुक्त देवाश्वेता बनिक ने कहा कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से एहतियात करने के लिए मुहिम छेड़ी है, जिसके चलते ही दुकानों, होटल, रेस्तरां और अन्य सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लोगों की भीड़ तथा इससे कोरोना संक्रमण की आशंका को देखते हुए सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए विशेष आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि जिला के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों, दुकानों और होटल, रेस्तरां इत्यादि के गेट पर सैनिटाइजर होने चाहिए। इसके अलावा गेट पर ही थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी की जा सकती है। उन्होंने नगर निकाय के कार्यकारी अधिकारियों को स्वयं या अन्य कर्मचारियों के माध्यम से अपने अपने क्षेत्रों के व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियमित रूप से परीक्षण करने और रोजाना शाम 5 बजे तक इसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजने के आदेश भी दिए हैं। जिलाधीश ने कहा कि सभी एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस की टीमें और उड़न दस्ते भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों के औचक निरीक्षण करें और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। लोगों से अपील कर रहे हैं कि कोरोना से संबंधित सभी सावधानियां जो हैं वो बहुत कड़ाई से उनका पालन करें। हमने सभी जो बाजारों की बात अब जो जहां तक कर रहे हैं, हमने सारे जो दुकानदार हैं, जो भी कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स या रेस्टोरेंट्स, इस तरह के जो भी बाजारों में एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, उन सभी के जो ओनर्स हैं या जो उसको चला रहे हैं, उनको भी आदेश जारी किए हैं कि सभी को जो है हैंड सैनिटाइजेशन के लिए जो उचित प्रावधान है वो अपने दुकानों के आगे रखनी होगी। जहां तक संभव है अगर थर्मल स्कैनिंग कर सकें जो बड़े एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, तो उनको वो भी आदेश जारी किए हैं। उसके साथ साथ इनके अलावा कई बार लोग जो हैं ज्यादा मात्रा में एक ही दुकान के अंदर एक ही साथ घुस जाते हैं, जिसके कारण अगेन बंद एरिया के अंदर जो है संक्रमण फैल सकता है अगर ज्यादा देर तक वो एक छोटे एरिया में रहें। तो इसके लिए सभी दुकानदारों को भी हमने जो है ये ऑर्डर जारी किए हैं कि वो इंश्योर करेंगे कि उनकी दुकान में बहुत ज्यादा लोग एक समय पे जो है एकत्रित ना हो, एक एक करके ही दुकान में घुसाए जाएं, तथा जो भी मास्क ना पहना हुआ हो उसको किसी भी हालत में जो है एंट्री ना दी जाए दुकान में। उसको बोला जाए कि पहले आप मास्क पहन के आए या सही ढंग से मास्क पहने, उसी के बाद जो है आप दुकान में घुस के खरीदारी कर सकते हैं। तो हमने सभी दुकानदारों को, बाजार में हमने व्यापार मंडल को भी ये जो है इसकी सूचना दी है, उनसे भी आग्रह किया है कि वो अपने स्तर पे भी इसकी जानकारी फैलाएं, सारे दुकानदारों में भी सेंसिटाइजेशन करें। और हमने कंसर्न जो नगर परिषद के ईओज हैं, कार्यकारी अधिकारी हैं, उनको कहा है कि वो अपने स्तर पे जो है इसकी चेकिंग, क्योंकि ज्यादातर बड़े दुकान मार्केट्स जो हैं हमारे जिले में वो नगर परिषद एरिया में पड़ते हैं, और छोटे छोटे जो मार्केट्स हैं वहाँ पे कंसर्न पंचायतों को कहा है कि वो नज़र रखें और उसकी राउंड्स करें, ताकि जो है इसमें जो है लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सकें इस बारे में, और कोरोना के जो इस जो फैलता जा रहा है इसको किसी तरह से जो है काबू कर पाएं।